नहीं, बस एकमात्र मकसद है खतियान, जो हमारी पहचान है। खतियान आधारित नियोजन नीति और खतियान आधारित स्थानीय नीति परिभाषित करे, बस यही हमारा उद्देश्य है, ताकि हमारे यहाँ के एक एक बच्चों को, जो माटी पुत्र और पुत्रियां हैं, उनके हाथों को रोजगार मिल सके। विवाद के बीच राज्य में 1932 खतियान को लागू करने की मांग तेज हो गई है। हालांकि ये मांग नई नहीं है, 2018 में नए खतियान नियम लागू होने के बाद से ही लगातार विरोध होता आया है। वहीं इस बार 1932 के खतियान को लागू करने की मांग को लेकर सड़क पर छात्र उतरे, जन आक्रोश करते हुए हेमंत सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है, जबकि विधायकों की शव यात्रा निकाल कर विरोध जताने की बात कही गयी है। झारखंड में 2018 में रघुवर दास सरकार ने स्थानीय खतियान नीति 1932 को बदलकर 1985 घोषित कर दिया था, यानी 1985 से झारखंड में रहने वाले वासियों को स्थानीय माना जाने लगा। वहीं 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू करने के लिए एक बार दोबारा मांग तेज हो गई है। साथ ही संथाली भाषा को राज्य की प्रथम राजभाषा का दर्जा देने की मांग को लेकर छात्र सड़क पर उतरे। इसी सिलसिले में छात्र समन्वय समिति के नेतृत्व में हजारों आदिवासी एवं मूलवासी छात्र छात्राएं सड़क पर उतरी। छात्रों ने दुमका के एसपी कॉलेज से जन आक्रोश महारैली निकाला और शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए अंबेडकर चौक में सभा की। जन आक्रोश महारैली को विभिन्न छात्र संगठनों के अलावा करीब 15 सामाजिक संगठनों ने समर्थन दिया। छात्र समन्वय समिति के नेताओं ने दो टुक में कहा कि अगर सरकार 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति को लागू सहित अन्य मांगों को पूरा नहीं करती तो पूरे राज्य में चरणबद्ध तरीके से उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसमें संथाल प्रगड़ा के सभी 18 विधायकों का शव यात्रा, पुतला दहन और बाद में आर्थिक नाकाबंदी की जाएगी। अपने बच्चों को देनी हो सही दिशा तो आज ही एडमिशन करवाइए नवप्रभात मिशन में। बच्चे हैं देश का भविष्य, दीजिए एक नई दिशा नवप्रभात मिशन के साथ। पिछले 20 वर्षों से गुड्डा वासियों का विश्वास, नवप्रभात मिशन कर रहा है बच्चों का सर्वांगीण विकास। गुड्डा का विश्वसनीय इंग्लिश मीडियम स्कूल, नामांकन जारी है, जल्द संपर्क कीजिए। लेट्स एम हाई फॉर योर चाइल्ड, टुगेदर वी विल फ्लाई। नहीं, बस एकमात्र मकसद है खतियान, जो हमारी पहचान है। खतियान आधारित नियोजन नीति और खतियान आधारित स्थानीय नीति परिभाषित करे, बस यही हमारा उद्देश्य है, ताकि हमारे यहाँ के एक एक बच्चों को, जो माटी पुत्र और पुत्रियां हैं, उनके हाथों को रोजगार मिल सके, हमें हमारी पहचान मिल सके, बस यही हमारा उद्देश्य है। और इसी को लेकर हमारे यहाँ के युवा युवती हजारों की संख्या में पैदल मार्च आज कर रहे हैं। भाषा को लेकर क्या करेंगे, किन-किन भाषा को मांग कर रहे हैं? सर, ये क्या है ना कि भाषा का विवाद जो है ना, यहाँ की सरकारें जो जिस तरीके से बैठती रही, सत्तासीन रही, तमाम लोगों ने अपने तरीके से इस खेल को खेलने का काम किया। ये भारतीय जनता पार्टी और राजसू पार्टी वाले लोग, इन लोगों ने क्या किया, भाषा को राज्य स्तर का दर्जा दिलाया। फिर हेमंत जी ने क्या किया, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद की सरकार ने क्या किया, इन लोगों ने सोचा कि हम उनसे क्यों पीछे रहेंगे, इन लोगों ने उसे जिले में ले लाया और क्षेत्रीय भाषा का दर्जा दे दिया, जो कि कहीं भी किसी भी तरीके से मुनासिब नहीं है। हम तो कहेंगे कि हमारी जो 5 जनजातीय भाषाएं हैं सर, और 4 क्षेत्रीय भाषा, ये हमारे लिए काफी है, हमें और किसी की जरूरत नहीं है। यहाँ पर लोग अपनी इच्छानुसार, हेमंत जी की इच्छा कहेंगे हम, वो आज क्या इच्छा रख रहे हैं, बाहरी प्रेम जाग गया है, मैथिली को, मगही को, भोजपुरी को, अंगिका को, यहाँ की कैसे भाषा हम बना दें, इसका प्रयास चल रहा है। ये भाषा बनाकर वो क्या करेंगे, बाहर के लोगों को, सिर्फ और सिर्फ बाहर के लोगों को यहाँ किस तरीके से हम बिठाएं, कैसे उसे हम स्थापित करें, उनके द्वारा ये प्रयास चल रहा है, जो कि कतई बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि हमें हमारे सिर्फ यहाँ माटी पुत्रों को रोजगार मिलनी चाहिए, किसी पहाड़ियों को नहीं। और हमारे अधिकार को जो हनन करेगा, निसंदेह एक एक झारखंडी, एक एक खतियानधारी उसका विरोध करेंगे। और ये दिख रहा है, आप तमाम झारखंड में देख लीजिए, झारखंड का कोई ऐसा जिला और ऐसा प्रखंड पंचायत अछूता नहीं है
जो कि आज हेमंत सोरेन को गाली नहीं दे रहा है। आज कोई ऐसा जगह नहीं है जो कि आंदोलित नहीं है। तो निसंदेह आज झारखंडी जनता एक एक खतियानदारी जाग चुका है। खतियान की बात मैं इसलिए करता हूं क्योंकि खतियान ही हमारी पहचान है। झारखंडी की वही निशान जिसके हाथ हो खतियान। जब खतियान हमारी पहचान है और आज यदि सरकार नहीं चाह रही है तो निश्चित रूप में एक एक व्यक्ति अपने हक की लड़ाई के लिए आज आगे आ रहा है और खतियान तो छीन कर ले लेगा। खतियान आधारित स्थानीय नीति, खतियान आधारित नियोजन नीति हमारी बनेगी, हमें हमारी पहचान मिलेगी। बस इसी उद्देश्य के साथ में आज 21 सालों तक हम लोगों ने इंतजार किया है। पहले क्या थी, पहले भारतीय जनता पार्टी आजसू की सरकार थी। हम लोग सारे लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी क्या है। भारतीय जनता पार्टी के लोग हमेशा ही अपने भारत माता की जय तो बोल लेते हैं, लेकिन कोई ये नहीं कहता है कि जय झारखंड, कभी किसी ने नहीं कहा। क्यों? क्योंकि उन्हें राज्य वाला प्रेम नहीं है। चाहे हम अर्जुन मुंडा जी की बात कर ले, रघुवर जी की बात कर ले, या फिर बाबूलाल जी की बात कर ले। बाबूलाल जी की बात मैं एक बार कहना चाहता हूँ, ये वही व्यक्ति है जो कहते थे कि कुतुब मीनार से कूद जाऊंगा, लेकिन ये तो जबरदस्त स्टंटमैन है भाई, ये तो कुतुब मीनार से कूद भी गए और पूरी तरीके से सुरक्षित है। तो ये है स्थिति भारतीय जनता पार्टी के एक एक शीर्ष नेता कहे जाने वाले की। अर्जुन मुंडा की बात कर ले, अर्जुन मुंडा के पीरियड में ही हम जैसे लोग, आंदोलनकारी लोग जो एक एक साल दो दो साल जेल में रह गए, मैं स्वयं जिस बच्चे को मैं बचाने के लिए रिम्स ले गया उसी बच्चे का मर्डर केस हम पर लादा गया, एक साल तक मैं जेल में था। तो 2002 से हमारी चाहत है, उससे पहले से भी हमारी चाहत है, लेकिन उस वक्त मैं पढ़ाई कर रहा था। 2002 में जब मुझे लगा कि आज गलत, 2003 में जब मुझे लगा कि ये गलत हो रहा, हमने विरोध किया। हम जिस बच्चे को बचाने के लिए रिम्स ले गए उसी का मर्डर केस हम पर लादा गया, एक साल तक मैं जेल में था। हमारे जैसे जैसे कितने युवा उस वक्त जेल गए ये पता नहीं, इस बात का कोई अंदाजा नहीं। तमाम लोगों का बस यही मात्र उद्देश्य था, यही चाहती कि हमारे झारखंड वासियों को पहचान मिले, एक एक हाथों को रोजगार मिले, जो कि हमारे खतियानदारी। आज तक किसी ने ये खतियान आधारित स्थान नीति नहीं बनाई। एक रघुवर जी, इन्होंने कोशिश की 2016 में, ये क्या बना दिए कि जो भी व्यक्ति झारखंड में 85 से रह रहा है वो व्यक्ति झारखंडी होगा। अब बताइए, हम लोग यहाँ पर हजारों साल से रहते चले आ रहे हैं, इस पर हमारा कोई अधिकार नहीं। अब अधिकार किनको वो लोग दे दिए, 1985 वालों को। और उस वक्त तकलीफ की बात है कि हमारे इस विधानसभा के सुप्रीमो कहे जाने वाले सुदेश जी भी राजपाट कर रहे थे, और ये 17 साल से सुदेश जी भी यहाँ पर राज चलाने का काम किए हैं, बहुत सारी मंत्रालयों को संभालने का काम किए हैं, उप मुख्यमंत्री तक रहे हैं, वो यहाँ पर चेयरमैन तक बनाए गए थे, ये स्थान नीति तय की जाए उसके सदस्य थे। और ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो कि हमेशा बात करते हैं कि हमारी आजसू का उपज है ये झारखंड, लेकिन ऐसा व्यक्ति भी हमें पहचान नहीं दिलाया, तकलीफ की बात है। और आज ये गुमराह कर रहे हैं सदन में जाकर, इनके ही विधायक बाहर धरने में बैठते हैं 32 की खतियान लागू करो बोल के। तो ये दोहरा चरित्र है सर। हम बता देना चाहते हैं कि उसके एक व्यक्ति जो कि 2016 में मंत्री पद पर थे, रामगढ़ क्षेत्र से विधायक हुआ करते थे, तो वो व्यक्ति क्या कर रहे थे, जिस दिन रघुवर जी ने 85 वाली नीति बनाकर दी उस दिन वो रामगढ़ अलबट्टे का चौक, अलबट्ट नहीं, वो जो सुभाष चौक में वो लड्डू बंटवा रहे थे। और खुदा न खास्ते उस वक्त मैं भी वहां पर मौजूद था। मैंने जब लोगों से उनकी इच्छा जानना चाहा उनके द्वारा कहा गया कि जिस काम को आज तक किसी सरकार ने नहीं किया वो काम आजसू पार्टी ने कर दी, चंद्र प्रकाश चौधरी जी ने कर दिया, मंत्री जी ने कर दिया, और लड्डू बांट रहे थे। तो बताइए वो लोग 85 वाली नीति को बनाकर उतना खुश हो जा रहे थे, और आज ये 32 की बात करते हैं, तो कौन सा चरित्र उजागर कर रहा है। आज उनके सुप्रीमो कहते हैं कि खतियान आधारित स्थान नीति लागू की जाए, इससे पहले तो हमको कहते थे कि ये नाटक कर रहा है, और आज तक उनका नाटक हम कभी देख नहीं पाए। भाई आप तो दिखा दीजिए, आप दिलीप कुमार है, अमिताभ बच्चन है, या फिर आज के दौर के टाइगर श्रॉफ है, तो ये लोग भी थोड़ा सा नाटक दिखाए मैं चाहता हूँ। और दूसरी बात है कि ये खतियान आधारित स्थान नीति और नियोजन नीति ये तो भाई हम लेकर रहेंगे। हेमंत सोरेन, आज मैं आपको ये आग्रह करता था, अब तो हम छीनने का प्रयास करेंगे। ये बीजेपी में जाने का बीजेपी क्या सर, हमने तो पहले भी कह दिया कि ना मैं बीजेपी जाऊंगा, ना कांग्रेस जाऊंगा, ना राजद जाऊंगा, ना और भी कौन सी पार्टियां जो हमारे झारखंड में चल रही हैं। अब तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की तो बात है ही अलग,
ना आजसू जाऊंगा, एक हमारी पार्टी हमारे सिल्ली की पार्टी भी है, हम आजसू भी नहीं जाएंगे भाई। और हमने जब हर एक जगहों पर अपने प्रेस मीडिया को हर जगह कह दिया कि मैं कहीं जाने वाला नहीं हूं, तो फिर भी ये इस तरीके से अखबारों में जो आता है, हम तो खासकर दैनिक भास्कर के अखबार को कहेंगे कि भाई इस तरीके से आप क्यों सोच लेते हैं। क्योंकि आप भी जानते हैं कि एक बार मैंने कह दी तो कह दी, एक बार मैंने जो कमिटमेंट कर दी तो अपने आप की नहीं सुनता। दूसरी बात यह है सर कि एक बार जो मैं कह दिया तो 100 बार कहने के बराबर होता है। तो इसलिए निश्चिंत रहे हमारे सिल्लीवासी और निश्चिंत रहे झारखंड की जनता, हम किसी पार्टी में नहीं जाएंगे। जनता जो डिसाइड करेगी भविष्य में वही हमारा मार्ग होगा और वही संघर्ष का रास्ता जो शिबू सोरेन जी का रहा, जो वीर बिरसा का रहा है, जो विनोद बिहारी महतो का रहा है, जो निर्मल महतो का रहा है, जो रास्ता सिद्धू कानू चांद भैरव का रहा है, नीलांबर पीताम्बर का रहा है, सिख भिखारी का रहा है, वही रास्ता हमारा अख्तियार करने का तरीका होगा। वही संघर्ष, उसी संघर्ष के रास्ते हम झारखंडियों को पहचान दिलाएंगे, मान दिलाएंगे, सम्मान दिलाएंगे, उसका हक और अधिकार दिलाएंगे। खतियान तो हम लेकर रहेंगे, खतियान आधारित स्थान नीति न्यूज नीति। ऑफिस के बाहर जिसका भी गाड़ी है ऑफिस के अंदर कर ले। हम इस राजा जिंदाबाद।